देखो हम दुबई पहुंच चुके हैं। अच्छा आप मेरे पीछे देख रहे सकते हो, अभी अंधेरा है और अभी बज रहे हैं यहाँ पे 6:30 और इंडिया में बज रहे हैं 8:17 है। और सच में दुबई बहुत खूबसूरत है, अभी तो हमने एयरपोर्ट ही देखा है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो ये एयरपोर्ट है, हम खड़े हैं अभी देख रहे हैं टैक्सी वगैरह की वेट कर रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड, फिर आगे देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। पर आज का दिन तो हमें रेस्ट करेंगे क्योंकि हम काफ़ी कल से काफ़ी परेशान है क्योंकि प्लेन में प्रॉब्लम की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई है। तो हम थोड़ी रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे और फिर देखते हैं कि जो आगे। दुबई के 8 बजे हैं, मैंने सोचा था कि 8:17 हुए हैं लेकिन अभी दुबई के इंडिया के 8 बजे हैं, 8:03 हुए हैं और दुबई के हिसाब से जो मैंने आपको बताया वही। एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस की है, फॉरन यहाँ पे भी नहीं मारते हैं लेकिन इंडिया में तो चीज की पैपे होती रहती। तो आउट ऑफ इंडिया हूँ और मैं फूल पौधे ना देखूँ तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। चलिए मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लांट दिखाती हूँ जिसका नाम है एलमंडा। और यहाँ पे हॉर्न बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से गाड़ियाँ चल रहा रही हैं लेकिन कोई हॉर्न नहीं है। और ये लगा हुआ है पिटूनिया, पता नहीं कौन सा प्लांट है, ये पूरा लगा हुआ है शायद पोर्चुला का की जैसा है। यहाँ पे लाइन की दिखाई लाइट दी
जा रहे हैं यहाँ पे जो लोकल मार्केट है वहाँ पे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं, क्या क्या है। और मैंने पहनी है इंडियन ड्रेस, तो मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस में कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैंने अपनी इंडियन ड्रेस ही पहनी हुई है। तो मैं दुपट्टा लेके आना भूलूंगी, तो मैंने ये कल वाला ही ले लिया, तो ये वॉश करने वाला है अभी, मैंने ऐसे ही ले लिया। तो अभी हमने खाई है मैगी। और यहाँ पे खाना ना, जैसे इंडिया से पैसे लेकर आके यहाँ पे चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगता है, अगर कोई यहाँ पे रहता है तो फिर वो तो होता है ही लेने का। आज है 27 और धूप देखिए इतनी तेज है, बज रहे 9 बजे और हम आ चुके 8 बजे। और बहुत अच्छी होने के कारण ना सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने चाय नहीं पी है, हस्बैंड लेने जा रहे हैं।